हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप और आज के इस लेसन में मैं आपको बताने जा रहा हूं प्रीपोजिशन फोर के 10 यूजेस। जी हां दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आप फोर का सही यूज़ करना सीख जाओ। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमें कुछ एग्जांपल के साथ। मैं खुशी के वास्ते पढ़ता हूं, या फिर मैं खुशी के उद्देश्य से पढ़ता हूँ। आई रीड फॉर प्लेजर, यहाँ पर फोर का यूज हुआ है के वास्ते या के उद्देश्य। वह अपनी बुरी आदतों के कारण बीमार पड़ जाएगा। He will suffer for his bad habits। तो यहाँ पर फोर का यूज हुआ है के कारण। इतना कुछ सीखने के बावजूद वह जीवन में असफल रहा। For all his learning, he proved a failure in his life। तो यहाँ पर हमने फॉर ऑल का यूज किया है के बावजूद। यहाँ पर फॉर अकेला नहीं है, फॉर ऑल का यूज हुआ है। अगला देखते हैं, वह उसकी उम्र के लिहाज से ज्यादा लंबी है। She is rather tall for her age। तो यहाँ पर फॉर का यूज हुआ है के लिहाज से। मैं आपके पक्ष में वोट दूंगा। I shall vote for you। यहाँ पर फोर का यूज हुआ है के पक्ष। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। I am going away for a few days। तो के लिए हमने क्या यूज किया है यहाँ पर फोर। हमें गरीब और कमजोर व्यक्तियों की ओर से लड़ाई करना चाहिए। We should fight for the weak and the poor। उसने अपनी किताब के बदले में दूसरी किताब ली। He exchanged his book for another book। तो यहाँ पर फोर का यूज हुआ है के बदले में। मैंने यह पेन 5 रुपए में खरीदा था। I bought this pen for 5 rupees। अगला है, उन्होंने उसको अपने लीडर के रूप में चुना, या अपने लीडर के जैसा चुना। They chose him for their leader। ये थे प्रीपोजिशन फोर के यूजेस। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। एंड प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।